कंटिनेंट्स नेम? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। कंप्लीट क्या है मम्मा? नाउ गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अभी दोपहर के अमेरिका, यूरोप, 2:15 बज रहे हैं और मैं ये देखिए मैं मशीन लगा रही हूँ क्योंकि मेरे घर में लाइट नहीं थी और कपड़े भी नहीं धुले हुए थे तो मैं जल्द धुल ले रही हूँ। और बताइए आप लोग कैसे हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। प्लीज़ आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल पर आइए एंड वॉच कीजिए मेरे। तो मेरी ये कपड़ा धुल रही है और मेरे बच्चे लोग सो के दोपहर को उठ चुके हैं क्योंकि 2 बज गए थे और ये लोग सो गए थे 12 बजे। तो मैं अभी अपना दोपहर का लंच मैं बना चुकी हूँ एंड मैं इवनिंग का मैं आपको डिनर आज शेयर करती हूँ। तो ये देखिए मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, पनीर मसाला। तो एक्चुअली मैं पनीर फ्रिज में, आप अगर फ्रिज में रखते हो ना तो 15 दिन आपकी फ्रिज में रखी हुई पनीर कुछ भी नहीं हो सकती है, कुछ भी नहीं। बस पानी को हमेशा चेंज करते रहिए एंड आप फ्रेश पनीर खाते रहिए। तो ये देखिए मैं कढ़ाई जल्दी से चढ़ा दी हूँ एंड इसमें जीरा को भी ऐड कर दी हूँ और इसमें पनीर को कट करके डाल दी हूँ और इसे हल्का ब्राउन होने तक मैं इसे भूनूंगी। और भूनने के बाद मतलब कि ज़रा सा ऑयल डालकर, ज़्यादा ऑयल नहीं, और इसमें भूनने के बाद हल्का सा नमक मिला देती हूँ और इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैं ये अदरक एंड जिंजर गार्लिक एंड अनियन टमाटो ये सब का पेस्ट बनाकर और एक छोटी सी चिल्ली यानी मिर्च, हरी मिर्च लेकर मैं इसकी ग्रेवी तैयार कर लूँगी। तो मैं फटाफट काम अपना शाम का कर रही हूँ क्योंकि बच्चे लोग भी जल्दी सो जाते हैं और लगभग टाइम हो चुकी है अभी 7:30। और मुझे बनाते बनाते करीब टाइम हो जाती है 1 घंटा, मतलब किचन में मुझे 1 घंटा टाइम लग जाती है। तो मैं सारा जो ग्रेवी बनाने के लिए रखी थी तो वो सब मैं एक साथ मिलाकर मैं इसकी ग्रेवी बना दूंगी और ये भी भुना गई है। तो ये देखिए मेरी ग्रेवी बन रही है। तो ये इसमें एक्चुअली मैं ऑयल नहीं डाली थी कढ़ाई में, जैसे पनीर को जैसे निकाल ली भूनकर तो मैं ऑयल नहीं डाली, डायरेक्ट बस ये ग्रेवी भूनने के लिए जो मिश्रण मैं रखी थी वो डायरेक्ट भून ली हूँ। उसके बाद इसमें रेड चिल्ली, सॉल्ट एंड आपके पास जो ये पनीर का मसाला है तो वो आप यूज़ कर सकते हो। और मैं एक्चुअली मैं थोड़ा सा जो चिकन मसाला रहती है वो भी मैं यूज़ कर ली थी क्योंकि ये सब यूज़ करने के बाद उसकी अच्छी टेस्ट आती है यानी कि पनीर की। तो इसमें मैं मलाई भी डाली हूँ और मलाई के साथ साथ ये दूध, मिल्क एंड आपको जितना ग्रेवी चाहिए उतना आप डाल सकते हो। एक्चुअली मैं बहुत ही थोड़ा सा पनीर बना रही थी क्योंकि शाम का टाइम था तो कम फैमिली के लिए कम ही मैं बना रही थी। तो इसमें मैं दूध एंड पानी ये सब अपने अनुसार सब डाल दे रही थी, मुझे जितनी ज़रूरत थी उतनी मैं डाल दी थी एंड इसमें नमक ये सब भी मैं ऐड कर दी थी स्वाद के अनुसार। तो जो सिंपल रोटी होती है ना उसके साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है एंड इसके साथ पराठा या फिर पूरी ये सब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। इसके साथ एकदम सिंपल रोटी आप खाइए, चपाती खाइए और बस ये बन के रेडी हो गई है। और अगर आपके पास धनिया की पत्ती है तो वो आप ऐड कर सकते हो और नहीं है तो भी ये टेस्टी लगती है। तो ये देखिए ये रेडी हो चुकी है
एंड 2 मिनट में इसे मैं अब गैस को ऑफ कर दूंगी। ऑफ करने के बाद ये मैं धनिया की पत्ती को ऐड कर दूंगी। तो ये अब रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए मेरी ग्रेवी वाली पनीर बन के तैयार हो गई है। तो ये आप रोटी के साथ भी खा सकते हो एंड चावल के साथ भी खा सकते हो। तो आप भी ट्राई कीजिए, और अच्छी लगी मेरी पनीर तो फिर प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स।